हेलो फ्रेंड्स, अब आज का चैप्टर जो है हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। चलो उसे शॉर्ट फॉर्म में हम ई एम डब्ल्यू बोल देते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। चलो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, तो हमने देखना है कि हम जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के चैप्टर थे 5.6, तो उसमें हमें क्या मिला था, एक फॉर्मूला मिला था एम्पियर का, समझ लो ये सबसे कि एम्पियर क्या मिला था एम्पियर से। तो एक क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आर। चलो ये मिला क्या है, आप देख सकते हो म्यू नॉट आई। चलो तो इसमें क्या बोला था कि जो बी हो गया है आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है, बी आर के वो एरिया से मालूम है ये करंट कैरिंग वायर, तो इसके आसपास सर्कुलर में एक लूप बन रहा है मैग्नेटिक का। वेल हमको मालूम, हम सबको मालूम ही है कि अगर करंट कैरिंग वायर वायर में करंट कैरिंग वायर है तो क्या बनेगा, उसके आसपास एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। चलो तो एक ये फॉर्मूला, तो इसके बाद एक ऐसा फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट हुआ। चलो तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, जो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए होगा। अब देखो मान लो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, सबसे पहले समझो ये जो करंट था वो हमारे कंडक्टर के लिए था, यानी कि आईसी था। समझ लो कि यहाँ पे जो भी वायर है उसमें से करंट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज इक्वल टू क्या हो गया, वो आपका बन गया करंट। चलो तो ये कंडक्टर का करंट हो गया, जबकि हमें मालूम करना है डिस्प्लेसमेंट करंट, वोल्टेज का डिस्प्लेसमेंट करंट। तो नाम भी सेम कि डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होता है, सबसे पहले टू प्लेट ले लो कैपेसिटर, वन साइड पॉजिटिव करंट एंड अदर साइड भी नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, हमने मालूम किया है यहां से पॉजिटिव चार्ज कैरिंग हो, सॉरी यहां पे यहां से नेगेटिव चार्ज कैरिंग, तो क्या होगा हमें मालूम है कैपेसिटर में क्या होता था कि सबसे पहले मेरे को चाहिए कैपेसिटर है आपके पास, अगर उस पे आप पॉजिटिव चार्ज पुट करते जाओगे तो उसमें बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए इंक्रीज होकर होते गए। ये क्या होता है कि आसपास के जो भी एयर के मॉलिक्यूल है उसे क्या कहते हैं कि एक टाइम आ जाएगा जब क्या करेगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज की पूरा जो कैपेसिटर का प्लेट है वो भर जाएगा, फुल हो जाएगा, तब जाके क्या करेगा कि फिर भी आप उसे चार्ज देते रहते हो तो क्या होता है कि ये जो भी चार्ज है वो जो एयर का डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग इंसुलेटर इंसुलेटिंग मीडियम हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी इंसुलेटिंग मीडियम, तो क्या होता है कि जो भी आसपास एयर है वो कैसा इंसुलेटिंग इंसुलेटर के बनने, तो क्या होगा कि जो एयर है इंसुलेटर में उसको कन्वर्ट कर देगा कंडक्टर, क्या लेगा आसपास के जो भी एयर के मॉलिक्यूल है उसको चार्ज कर देगा वेव की तरह, उसमें जो एयर चार्ज है वो मोशन करने लगेगा, तो उसका जो डायरेक्ट कॉन्स्टेंट है वो कितना है एयर का, तो एयर का है 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये हो गया एयर का डायरेक्ट कॉन्स्टेंट। ये सब बात करने के लिए तो अब इसमें क्या होता है, मान लो क्या कोई नीडल मैग्नेटिक
रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये होगा, तो यहाँ पर भी ये होगा, क्योंकि देखो मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है करंट है वो मूव कर रहा है पासिंग थ्रू द वायर, तो इसमें क्या आएगा डिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारा मैग्नेटिक मीटर। चलो देखो, तो ये दोनों तो मूव कर रहे हैं, अब इसकी बारी, तो क्या ये मूव करेगी या नहीं करेगी, मान लो ये फर्स्ट वाली मीटर है, सेकंड तो यहां पे मैं पॉइंटिंग हूं और फर्स्ट एंड थ्री नंबर मीटर, हम देखते हैं कि जो भी हमारा ये वाला जो वायर है वो ये वाला नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला जो भी वायर है उसमें करंट क्या है, वो चेकिंग हो रहा है, क्या होगा, ये इधर भी डिफ्लेक्शन आएगा और इसमें भी डिफ्लेक्शन आएगा, पर इसमें डिफ्लेक्शन होगा या नहीं, तो हो रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो आप देख सकते हो यहाँ तो कंडक्टर था, उसको इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए पास करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर था जो था हमारा वायर, पर यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं, जिस फॉर्मूला में देखो यहाँ पे मैंने सी लिखा है, तो क्या होगा यहाँ से इस करंट को पास करने के लिए क्या है हमारे पास कंडक्टर, ये सी कंडक्टर का है, क्लियर है, तो यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं था, फिर भी एक डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्ट एक लिटिल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उसके पास कहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहाँ पे एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो वो कहाँ से आएगा देख लेते हैं, वो आए कहाँ से, चलो नोट कर लो इतना कर देते हैं। चलो तो देखो कंडक्टर का है, अब
देखना है कि दोनों के ब्लेड में कितना लगेगा, दोनों में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो E is equal to sigma by 4 epsilon naught चार्जिंग प्लेट पावर चार्जिंग स्क्वायर वो सब तो भी पहले पे और दो फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एंड देन सेकंड प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इज इक्वल टू उसका भी इतना होगा टू एप्सिलॉन दोनों का सेम ही रहेगा। ये हो गया पॉजिटिव प्लेट मान लो पॉजिटिव प्लेट के लिए हो गया, ये हो गया नेगेटिव प्लेट के लिए। चलो आगे क्या करें, सिग्मा क्या होता है चार्ज डेंसिटी किसके लिए प्लेन के लिए लीनियर के लिए या क्यूब के लिए वॉल्यूम में किसमें होता है प्लेन के लिए होता है ना। तो सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी तो क्या हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए कि इस एरिया में कितनी डेंसिटी है चार्ज की, कितने चार्ज है बाय एरिया तो उसकी डेंसिटी मिल जाएगी। चलो तो फिर आप सिग्मा की जगह क्यू बाय ए रखो तो क्या हो जाएगा इसी केस में तो ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। इस टर्म को यहां पर लेंगे तो ई ए एप्सिलॉन नॉट चलो अब देख लेते हैं ई टू ए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू फाई ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू। अब इस टर्म बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड चलो क्या हो जाएगा यहां पे डी बाय टी बाय डी टी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल डी क्यू बाय डी टी। चलो मान देखो कौन सा फॉर्मूला होगा डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू आर यानी कि करंट तो यहां पर डी फाई टी बाय डी टी इक्वल एप्सिलॉन नॉट आर किसके लिए ये करंट हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया है कौन सा करंट हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट मैं यहां पे डी लिखता हूं क्या लिख देता हूं डी तो यहां पे क्या आ जाएगा डी फाई ई बाय डी टी एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका एम्पियर्स लॉ के यूजिंग करके आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट